इस वीडियो को देख रहे मेरे सारे दोस्तों को जोहार प्रणाम। मेरा नाम ऋतुराज है। मैं 2018 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और अभी हाल फिलहाल में मेरी ट्रेनिंग गोड्डा जिला में चल रही है। मैं झारखंड कैडेट से बिलोंग करता हूँ। यह वीडियो मैं आज के युवाओं के बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूँ ताकि आप हमारे पुराने जिस तरीके से हम जिस पथ पे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं उनको आप देखें और सीखें। आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं और अपने फाइनली अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। मेरा जन्म बिहार के अररिया जिला में फारबिसगंज में हुआ था। मेरी अर्ली एजुकेशन जो है सैनिक स्कूल से हुई। 5 क्लास तक मैं सैनिक स्कूल झुमरी तलैया में पढ़ा। उसके बाद 6वीं कक्षा से मेरी पढ़ाई सैनिक स्कूल रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हुई। 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। 10वीं तक की पढ़ाई में मैं अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रखता हूँ क्योंकि जनरली मेरे क्लास में मेरे अच्छे मार्क्स होते थे। और 10वीं की कक्षा में मुझे जब फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सही है। वहाँ पे मेरे मैथ साइंस में अच्छे नंबर आए तो मैंने इंजीनियरिंग विभाग को चूज़ किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाके प्रशिक्षण लिया। 2009 में मेरा एडमिशन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, जो कि IIT दिल्ली में हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग। वहाँ पे 2009 से 2013 तक मेरी पढ़ाई हुई और उसके बाद कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मेरा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग गया। प्राइवेट सेक्टर में मैं 2013 से 2015 के लास्ट तक, अक्टूबर तक, लगभग 2.5 साल नौकरी करी। यह प्राइवेट सेक्टर मोस्टली डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग पे के फील्ड में काम करती है। UPSC की तैयारी मेरी उसके बाद से चालू हुई। 2015 में जब मैं ट्रांजिशन फेज में था, मतलब अपने कंपनी को छोड़ कर कहीं और जाने के में था, तब मेरे दिमाग में ऐसी बात चल रही थी कि या तो मैं यहाँ से इंजीनियरिंग किया और ऊंचे लेवल पे जा सकता हूँ, मैनेजमेंट कर सकता हूँ, या UPSC के लेवल पे जा सकता हूँ। तो इसलिए वो मेरे लिए डिसीजन ईयर था 2015। तो अब देखिए कि आप अपने डिसीजन कैसे ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब वहाँ पे मेरे पास 2-3 रास्ते थे तो ऑप्शंस को ओपन रखने के लिए मैंने प्रीलिम्स की भी तैयारी करी और साथ में मैं कैट का भी फॉर्म भर रहा था। पर जब मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया 2015 में, मेरी तैयारी मैंने इस मन से नहीं दिया था कि मुझे ज्वाइन करना है UPSC। बस मुझे ये देखना था कि UPSC में क्या पूछा जाता है, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो 1 महीने की पढ़ाई से मुझे लगा कि ये वही चीज़ें हैं जो कि मैं 10वीं क्लास से पहले पढ़ा करता था। वही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो ये मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे आपका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और डिसीजन लेने के लिए कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि 1 महीने की पढ़ाई की, UPSC का प्रीलिम्स दिया, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और मेरे पास 1-2 महीने 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी था। अगर नहीं भी हुआ तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप अपने डिसीजंस लिया कीजिए ताकि आप आगे जब भी पढ़ें तो आपके पास एक फॉलो अप ऑप्शन भी रहे। UPSC की तैयारी मेरी जब 2015 के नवंबर से चालू हुई तो उसमें सब बहुत बड़ी चीज़ होती है प्लानिंग। आप कैसे अपनी स्टडी को प्लान करते हैं और इस चीज़ में मेरे जो पुरानी लाइफ है उसने मेरे को बहुत मदद की। जैसे कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, सैनिक स्कूल की पढ़ाई में जनरली आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता था, सुबह उठने से लेकर के शाम के काम तक। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी को और अपने दिनचर्या के काम को साथ साथ में पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता था। तो हर दिन की प्लानिंग और हर हफ्ते की प्लानिंग और हर महीने की प्लानिंग, सेम चीज़ UPSC की तैयारी भी है। आपको पर डे की प्लानिंग, वीक की प्लानिंग, मंथ की प्लानिंग और एक ओवरऑल प्लानिंग तो आपके हाथ में।
आपने जैसे सवाल पूछा रोट लर्निंग के बारे में, तो इसका आंसर भी मैं अपने लाइफ को देखते हुए आंसर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ में थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने की भी ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि आपने बिल्कुल याद कर लिया और उसको लिख लिया और आपने मार्क्स लिया है। आपको ये कुछ समय तक हेल्प करेगा, बट जब आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक होना चालू होंगी तो आपको डिफ़िकल्टी आना चालू हो जाएगी, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। इन सब जगहों पर आपको ज़रूरत है कि थिंक, सोचने की। ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल याद करके बिल्कुल वैसे लिख के आए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें कुछ ऐसे भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, फोर्स में अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने किया है जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे आपने सीखा है, उसको आप कोट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते आप कोई किताब से देख करके चीज़ें लिखें। तो ये चीज़ें मैं अपने शुरुआत के दिनों में, जो कि मेरा जब 9th 10th था, तो उस समय बेस बहुत बनना शुरू होता है, 9th 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, उस समय बेस बनना शुरू होता है, तो उस समय के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, खास करके जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सब में जो एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल स्कूलों में प्रमोट किया जा रहा है लर्निंग विद डूइंग, इस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। यही चीज़ मुझे भी हेल्प किया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के टीचर्स से, आज के अभिभावकों से और स्टूडेंट्स से, वो भी लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीखें, वो आपको बहुत मदद करेगा। और एक चीज़ और सर, कि क्वेश्चन नहीं करते हैं सर, कुछ भी चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए सर क्वेश्चनिंग, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं आज तक जो भी चीज़ें, तो क्वेश्चनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चनिंग से आपका दिमागी विकास ज़्यादा अच्छे से होता है, वरना आपसे जब पूछा जाएगा कि ये किताब है तो आप किताब मान के समझ लोगे, पर आपका ये लगना होना चाहिए कि किताब है तो किस चीज़ की किताब है, इससे हम किस चीज़ के बारे में सीख सकते हैं, कितनी पेजेस हैं इसमें, तो इस तरह की ज्ञान से उस किताब के बारे में और नॉलेज होगा। जब आप किसी और को भी बता पाइएगा या फिर इस किताब के बारे में जब आपको यूज़ करना होगा तो आपको पता होगा कि ये उस चीज़ की किताब है, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, उसके डिटेल्स में नहीं जाइएगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा उसका पूरा, वो बस ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आपने देखा और फिर वो आपके नज़र के सामने से चली गई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आपके दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन आया, आप अपने अभिभावक से, शिक्षक से, सीनियर से, भाई से, उनसे, हाँ बिल्कुल उनसे सीखें। आपके पहले पार्ट को आंसर करते हुए मैं बोलूँगा कि ये एक ट्रेंड दिख रहा है कि इंजीनियर्स थोड़ा सिविल सर्विसेज के तरफ आ रहे हैं, बट मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ कि ये एक और एक जॉब है जिसको लोग करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको एक तरीके की जॉब नहीं, मल्टीपल लेवल की आपको जॉब करने का मौका मिलता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं भले ही इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में किया हूँ, पर जो बेसिक एस्पेक्ट्स जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखा है उसका एप्लीकेशन मैं बहुत डाइवर्स लेवल पे, ग्राउंड पे आज कर सकता हूँ इस सर्विस पे आके। और इसको ऐसे ना देखा जाए कि सिर्फ इंजीनियर ही आ रहे हैं, इस तरीके से देखा जाए कि ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसको इंजीनियर भी करना चाहते हैं। पहले IIT सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग को देखते थे, शायद इंजीनियरिंग करते थे बड़े बड़े कंपनीज में जाके, पर उनके लिए ऐसा है कि जो उन्होंने IITs में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीखा है, वो सोशल डेवलपमेंट में भी काम आ सकता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आज लोग इस तरफ आ रहे हैं, और चूंकि इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, हमारे सीनियर्स भी बताते हैं कि वो अपने इस जॉब से, जो वर्क है, इससे सेटिस्फाइड है, तो हम उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। दूसरा पार्ट मुझे कब हुआ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं 2015 में जब अपना जॉब कर रहा था, उस समय तक मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में, मतलब इस तरीके से नहीं सोचा था कि मुझे इस सर्विस में ज्वाइन करना है। मैंने पहले ये सोचा था कि पहले मुझे जॉब करनी है, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने सोचा था कि जॉब करनी है, क्योंकि एक जॉब करने से जो आत्मनिर्भरता आती है, एक वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो मैं महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने कॉलेज के बाद पहले जॉब करी। और
जब 2 साल हो गया तो जनरली प्राइवेट सेक्टर में आप जब 2 साल 3 साल कर लेते हैं तो आप जनरली एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए भी यह था कि जब इस जगह पे मैं चेंज कर ही रहा हूँ और बचपन से मेरे पिताजी माताजी घर वाले सभी लोग कहते थे कि कभी IAS भी ट्राई करना चाहिए, तो मैं सोचा कि ये एक ऐसा मौका है जिस समय मेरे पास मेरी उम्र भी मेरे साथ में है, मैं तैयारी भी कर सकता हूँ और मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है जो जिसके बेसिस पर मैं एक बैकअप ऑप्शन भी है, जब नहीं भी कुछ होगा तो मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ। तो एक रिस्क लेने के लिए मैं तैयार था कि मैं इस तैयारी को करना चाहता हूँ। तो उस तरह एक तरीके से चेंज देखा जाए कि चेंज लाने के लिए अपनी जो एक जॉब प्रोफाइल थी जो कि मैं बहुत पसंद करता था प्राइवेट सेक्टर में, उस प्रोफाइल से बस एक चेंज लाने के लिए मैंने दूसरे सेक्टर को ऑप्ट किया। अब जैसे मैं जब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो मैं सही में कहता हूँ कि उस 2 साल, आज 2019 है और 2015, अभी से एग्जैक्टली 4 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया, मुझे लगता है कि वो बहुत सही डिसीजन था। क्योंकि मैं जिस चीज़ से सोच के यहाँ आया था कि मैं एक डाइवर्स फील्ड में काम कर सकूँ, जो चीज़ मैंने कॉलेज में सीखी है, बेसिक चीज़ें, काम कैसे करना होता है, लोगों के साथ कैसे बातें करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ कैसे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अब कर पा रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हो पा रहा है। जब दूसरों के चेहरे पर वो खुशी दिखती है जो आपने जब की हुई होती है, तो उससे अच्छा वर्क सेटिस्फैक्शन कहीं और नहीं हो सकता है। एक सवाल और आपने पूछा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं थोड़ा आर्ट्स को पसंद करना वाला पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैंने थिएटर किया है, दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, वहाँ के लोगों से ट्रेनिंग ली है कॉलेज में, कुछ प्लेज भी किए हैं। इसके अलावा मैं कैमरा वर्क भी करना जानता हूँ, मूवीज़ भी बनाई हैं। जब मैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में था वहाँ पे भी मूवीज़ बनाई हैं। तो इस तरीके से थिएटर, फिल्म, आर्ट, कैमरा, इन सब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इन्हीं सब के बेसिस पे मैंने कॉलेज के टाइम पे भी बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने डेली एक्टिविटीज से अलग हट के एक अपने आप को पहचानने में मदद करता है। जैसे जब मैं थिएटर करता हूँ, जब मैं कैमरा वर्क करता हूँ, तो मैं अपनी एबिलिटीज समझता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोगों के साथ जब वर्क करता हूँ एक टीम वर्क करने का मौका मिलता है। मतलब इन्हीं के बेसिस पे मैंने, जैसे मैं कई बार डायरेक्टर रहा किसी प्ले का, कई बार एक्टर रहा किसी प्ले का, तो जब आप एक्टर डायरेक्टर रहते हो तो एक टीम के साथ काम करते हो, तो आप ये सीखते हो कि कैसे हर व्यक्ति को उनका पार्ट अच्छे से करवाया जाए ताकि वो अपना बेस्ट दे दें। एक प्ले को बनाने के लिए, एक छोटा सा प्ले बनाना है, उसमें एक्टर है, डायरेक्टर है, साउंड वाला है, लाइट वाला है, सबको उनकी स्ट्रेंथ दिखाना, एक साथ उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तब एक अच्छा प्ले खड़ा होता है। अब ये चीज़ मैंने सीखा कहाँ, जब मैंने ये खुद किया, खुद करवाया लोगों से, तो ये चीज़ सीखा। ये चीज़ मुझे एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, मैं किसी प्रोजेक्ट को करूँगा तो लोगों से कैसे करवाना है, कैसे उनसे बातें करना है ताकि वो एक प्रोजेक्ट सही दिशा में जाए और सबकी पॉजिटिव एनर्जी उस पर आए और उसको फिर सक्सेसफुल किया जाए। आज वही चीज़ मुझे यहाँ गुड्डा के भी प्रोजेक्ट्स को करने में मदद कर रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका पैशन आपको डिफाइन करती है, आप जिसमें अच्छे हैं वो कभी मत छोड़िएगा। मैं आज भी थिएटर करना पसंद करता हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं गुड्डा जिला में भी थिएटर करूँगा और कैमरा वर्क भी करूँगा। तो इसलिए आप भी अपने पैशन को दिल से लगा के रखिए, वो ही आपको खुश रखेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने कही, तो मुझे लगता है कि हाँ, देश के आंकड़ों के हिसाब से, जो सरकारी आंकड़े हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ रही है। तो इस पर मैं सजेस्ट करूँगा आज के युवाओं को कि अनएम्प्लॉयमेंट कई बार स्किल सेट की कमी के वजह से होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति को अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना। अगर स्किल सेट इम्प्रूव करने का तरीका देखें, सबसे पहले आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्कूल की पढ़ाई नहीं करी है तो आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थान हैं जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल स्किल ट्रेनिंग दी जा रही हैं, जैसे कि सिलाई मशीन चलाना,
आरियाँ चलाना, लकड़ी फाड़ना, ऐसी स्किल सेट्स जहाँ दी जा रही है वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल एक ऐसा यंत्र हो जाएगा लोगों के पास कि जिसके पास स्किल होगा वो आगे बढ़ पाएंगे, जिसके पास नहीं होगा वो पीछे रह जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आज के यूथ और जितने भी अभिभावक हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने बच्चों के स्किल सेट को इम्प्रूव करें, उसको उसके लिए उसको अच्छा पढ़ाई करवाएं, उसके लिए आप उसको एक ऐसे संस्था में एडमिशन कराएं जहां पे उनके स्किल सेट की ट्रेनिंग हो सकती है, सर्टिफिकेशन लें और फिर वहां से आप एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जहां तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, आजकल सरकारी तरीके से बहुत जगह पे ऐसे ऐसे फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपने 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 अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपने दर्जी के काम में अपने आप को अपने स्किल को ट्रेन किया है तो फिर आप सरकारी फंड्स को यूज़ करके सरकारी योजनाओं को यूज़ करके लोन लेके आप अपना एक कपड़े का दुकान खोल सकते हैं जहाँ पे आप अपने दो तीन दर्जी लगा करके आप कपड़ों का सिलाई की मशीन खरीद करके आप उसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे आज भगैया सिल्क को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर कई कारीगर ट्रेन हो रहे हैं, तो उनसे ट्रेनिंग पा करके अगर आप अपने भी एम्प्लॉयबिलिटी कर रहे हैं, अपनी भी दुकान खोल रहे हैं, तो ये आपका अलग तरीके से आपको पैसे को धनोपार्जन का एक नया तरीका दिया, नया तरीका होगा आपके पास। तो यही तरीका है, मैं कहूँगा कि आप बाकी किसी चीज़ों पर ध्यान ना दे के सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी आदमी के हथौड़ी और छेनी उसी के हाथ में होता है, वो ठुकते जाए और ठीक करते जाए अपने आप को, तो अपने पूरे शरीर को वो बहुत अच्छे तरीके से कार्व आउट कर सकता है। तो इसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे हाथ में होती है, हम जिस तरीके से चाहेंगे उसको कार्व आउट किया जा सकता है। बस ज़रूरी है आप सही दिशा में चलें, स्किल सेट के दिशा में चलें, प्रोग्रेस के दिशा में चलें, सही चीज़ों को अपनाएं, इसी तरीके से आप एक सही सिटीजन बन पाएंगे इंडिया का। मैं सारे जो यूथ युवा बच्चे अभिभावक उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज ज़रूरी है आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें। हर किसी में एक स्ट्रेंथ ज़रूर होता है। मुझे अगर पोछा मारना अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छे से मार सकता हूँ तो मैं पोछा अच्छे से मारूँगा। आपने उस स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचानिए, उस पर अच्छे से वर्क कीजिए, वही आपके लिए ज़िंदगी भर आपको खुशी देगा, वही आपके लाइफ को सेटल करेगा। थैंक यू।